हजरात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक कैसे मज़े में होंगे और आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा और आपके संडे को बेहतरीन हसीन बनाने के लिए आपका भाई आपकी खिदमत के अंदर हाजिर है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश, जो आप लोगों ने हमें 300 सब्सक्राइबर्स से नवाजा। तो हमारे माशाल्लाह 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मेरे ख्याल है इसके अंदर कोई तकरीबन हमें 3 महीने तो लगे हैं, तो जो है अभी बहुत हमने ज़िंदगी में अचीव करना है, तो आप हमारे साथ ही रहेगा। तो भैया जी, सीन कुछ इस तरह से कि अपनी जो मेहरान है उसको हम लोगों ने इंटीरियर पूरा का पूरा बदल के रख दिया, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी, पूरा का पूरा हमने उसका इंटीरियर बदल के रख दिया। अब आप हमारी मेहरान को देख के ये नहीं कह सकते कि ये एक ऑर्डिनरी मेहरान है। इवन दो आप उसको जो अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँ, आप वीडियो के अंदर ये पहचान ही नहीं सकते कि ये मेहरान है। तो अगर आप भी अपनी मेहरान को ऐसा घबराना चाहते हैं तो हमारी तरह मेहनत करें और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना, एंड पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब देख सकते हैं कि अभी हमारा मेहरान का स्टॉक स्टेयरिंग लगा हुआ है, जो कि इस टाइम पे ट्रक की मानिंद फील हो रहा है, और इसका ऊपर वाला जो कवर है हमने रिमूव कर लेना है। इसके नीचे नट लगा हुआ, ये नट हम लोगों ने उतार लेना है। 17 नंबर का ये नट है, इसके लिए आपको दो बंदों की जरूरत है। एक बंदा आपका स्टेयरिंग पकड़ के रखे ताकि आपका स्टेयरिंग ना मुड़े और आपकी अलाइनमेंट आउट ना हो। आपने कोशिश करनी कि आपका जो स्टेयरिंग है वो भी सीधा हो, आपके टायर सीधे हों, उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना स्टेयरिंग वहाँ से रिमूव करना है। दो बंदों की मदद आपको लगेगी और आपने इसको 3-4 बार टैप करना है और आपका स्टेयरिंग उतर जाएगा। एलकी की मदद से आप लोगों ने अपने स्टेयरिंग के ऊपर से बोल्ट्स रिमूव कर लें ताकि आप उसको ईजिली अपनी बॉस्केट के ऊपर लगा सकें। सवाल ये पैदा होता है कि बॉस्किट है क्या? बॉस्किट जो है वो एक छोटी सी किट होती है जो कि आपके आफ्टर मार्केट स्टेयरिंग लगाने के काम आती है, क्योंकि जो बहुत से आफ्टर मार्केट स्टेयरिंग होते हैं वो आपकी गाड़ी की बोल्टन फिटिंग के ऊपर जाकर नहीं बैठते। तो हर गाड़ी की जो बॉस्किट है वो अलग होती है। तो आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से जाके अपनी स्पेसिफिक गाड़ी की बॉस्किट लेते हैं, वो बॉस्किट आपकी स्टेयरिंग रैक के ऊपर लगती है और उसके ऊपर आपका स्टेयरिंग जो है वो बेहतरीन किस्म की फिटिंग के ऊपर आता है। बॉस्किट के पीछे जो है दो अदद डंडियां सी लगी होंगी। इनका मकसद ये होता है कि जब आप इंडिकेटर देते हैं उसके बाद जब अपना स्टेयरिंग मोड़ते हैं तो आपका इंडिकेटर को ऑफ कर देती है। जब आपने अपना हॉर्न लगाना है तो आपने उसको इस होल के अंदर से तार को निकालना है ताकि आपका हॉर्न जो है वो बेहतरीन तरीके के साथ बजे। बॉस्किट के साथ ये बूट भी लगा होगा, ये बूट भी आपने लगाना है ताकि ये आपकी गाड़ी की खूबसूरती के अंदर इजाफा करे। बॉस्किट लगाने के बाद आपने उसके ऊपर अपना स्टेयरिंग रख के उसके जो बोल्ट्स हैं जो एलकी से रिमूव किए थे उनको वापस अपनी जगह पर टाइट कर देना और आपका स्टेयरिंग अपनी जगह पर लग जाएगा। तो जी, आ गया वो शाहकार जिसका सभी को था इंतज़ार। अम्मी से पकड़ के थोड़ा सा उधार, हमने कर ली गाड़ी तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। स्टेयरिंग के अंदर बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है, बल्कि 19.5/20 का फ़र्क है, वो हर गाड़ी के अंदर रहता है बॉस्किट की वजह से। और आप ओवरऑल गाड़ी की लुक एंड फील चेक कर सकते हैं, कहीं से भी किसी किस्म से मेहरान नहीं लग रही है। ये देखें जी, आप लोगों के लिए मैं नाइट शॉट्स बनाने के लिए आया था और मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर किया, वो ये है कि हमारी जो RGB लाइट्स लगी हुई हैं ये म्यूज़िक के साथ भी ऑपरेट करती हैं। तो है ना ज़बरदस्त प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो वक्त से मिलती रहे। अगर आप भाई को इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टा की आईडी यहाँ पे आ रही होगी, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमें दें इजाज़त। कैमरामैन चानो, आप अल्लाह हाफिज़।